ठीक है, सही जगह पे दिख रहा है। दरवाजे लगा दो जय, ये रुक जाओ, हम ही कर देते हैं। स्टार्ट हो गया। ठीक है, गुड आफ्टरनून बच्चों। तो 2 दिन का गैप था, आपका ऑफ था। आज हम लोग शुरू कर रहे हैं, मंडे का एडिटोरियल है दिल्ली एट द सेंटर। तो केजरीवाल जी ने अपनी सरकार बना ली है और इसी को लेकर के एडिटोरियल है। तो इसमें जो सबसे पहला है, एक फ्रेज़ यूज़ किया गया है, उस फ्रेज़ का मीनिंग होता है टू बी एट द सेंटर, जिसकी मीनिंग यह होती है कि किसी भी चीज़ के केंद्र में होना। किसी भी चीज़ के केंद्र में होने का अर्थ होता है कि आप यू आर द मेन अट्रैक्शन ऑफ समथिंग। तो अभी क्या है कि दिल्ली के चुनाव सबसे अधिक हाईलाइटेड थे, सभी का ध्यान क्या था, दिल्ली के चुनावों पे था, इसलिए हेडलाइन उसी तरह से क्या है दी गई है। ठीक है, इसमें देखिएगा जो सब हेडलाइन है, जो एडिटर का अपना व्यू होता है वह है, केजरीवाल मस्ट नाउ वर्क विद इन हिज मैंडेट एंड द सेंटर शुड नॉट स्टॉल हिम। इसमें दो बातें कही गई हैं, एक केजरीवाल के लिए कही जा रही है और एक केंद्र के लिए कही जा रही है। तो मैंडेट यहाँ पे एक नाउन है, मैंडेट की मीनिंग होती है कि जब आप चुनाव लड़ते हैं, चुनाव जीतते हैं, तो जनता आपको एक तरह से समर्थन देती है, और चुनाव से पहले आपने जो जनता को वादे किए होते हैं वो आपका मैनिफेस्टो होता है। तो अब क्या है ना, केजरीवाल को सारी चीज़ें छोड़ करके वह जो मैंडेट मिला है, जनता का समर्थन मिला है, उसके हिसाब से काम करना चाहिए। एंड द सेंटर शुड नॉट स्टॉल हिम, और सेंटर को क्या करना चाहिए कि भाई उसको रोके ना, उसको टोके ना, और उसको अपना काम करने दे। स्टॉल का मतलब होता है, दो तीन मीनिंग होती है, एक तो किसी व्यक्ति को उलझाए रखना ताकि वो अपना काम न कर सके, और दूसरा किसी के राह में रोरे अटकाना। तो केजरीवाल ने हमेशा कहा है कि केंद्र हमें कार्य नहीं करने देता, तो ये उनके लिए कहा जा रहा है। ठीक है, अब मेन न्यूज़ में आते हैं। एन्थ्यूजिंग हिज एडमायरर्स एंड इन्फ्यूरिएटिंग हिज डिट्रैक्टर्स, अरविंद केजरीवाल टुक ओथ एज चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली फॉर अ थर्ड टाइम इन 6 ईयर्स। ठीक है, तो केजरीवाल जी ने क्या है, अपने एडमायरर्स को एंथ्यूज किया है। एंथ्यूज का मतलब होता है किसी में जोश देना, किसी में उत्साह जगाना, और अपने डिट्रैक्टर्स को इन्फ्यूरिएट किया है। इन्फ्यूरिएट का मतलब उन्हें गुस्सा दिलाया है। देखिएगा, एंड एक क्यूमुलेटिव कंजंक्शन है। क्यूमुलेटिव कंजंक्शन कहने का मतलब है एंड के बाईं तरफ और एंड के दाईं तरफ नॉर्मली स्ट्रक्चर क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो यहाँ पे है एंथ्यूजिंग हिज एडमायरर्स, और दाहिनी तरफ में है इन्फ्यूरिएटिंग हिज डिट्रैक्टर्स। तो डिट्रैक्टर नाउन होता है, हर वो व्यक्ति जो आपकी निंदा करे, आपकी बुराई करे, वो आपका डिट्रैक्टर होता है। तो केजरीवाल ने 6 साल में तीसरी बार चीफ मिनिस्टर की शपथ ली है, दिल्ली के चीफ मिनिस्टर की। पहली बार वो 50 दिन के लिए बने थे, और इस तरह से उन्होंने क्या है, अपने एडमायरर्स को यानी अपने समर्थकों को क्या है, उत्साहित किया है, और अपने डिट्रैक्टर्स को और गुस्सा दिलाया है। ठीक है, आगे देखिएगा। From stomping out of office after nearly 50 days of dystopian conflict with the center, he reoriented his approach during his 5-year tenure and focused on areas within his control to improve. अब यहाँ पे from बताया जा रहा है, यानी उन्होंने शुरुआत कहाँ से की थी अपनी राजनीति की। तो जब इनका पहला शासन था जो 50 दिन का था, तो उसमें ये क्या है, पैर पटकते हुए ऑफिस से बाहर निकले थे, स्टॉम्पिंग आउट। तो स्टम्प आउट का मतलब होता है पैर पटकते हुए नाचना, चलना या बोल बातें करना। तो यहाँ पे पैर पटक रहे हैं और गुस्से में उस समय वो निकले थे ऑफिस से, 50 दिन का उनका शासन था। और क्यों निकले थे, बिकॉज ही हैड अ कॉन्फ्लिक्ट विद द सेंटर, उनका सेंटर के साथ विवाद चल रहा था। तो यहाँ पे एक शब्द है डिस्टोपियन, ध्यान दीजिएगा। डिस्टोपियन की मीनिंग होती है कोई ऐसी चीज़ जो एक यूटोपिया होता है, एक डिस्टोपिया होता है। तो एक काल्पनिक समय होता है, काल्पनिक कालखंड होता है, जहाँ पे सब कुछ सही चल रही हो तो उसको यूटोपिया कहेंगे, और सब कुछ ख़राब चल रहा हो तो उसको डिस्टोपिया कहेंगे। तो कॉन्फ्लिक्ट था उसका सेंटर के साथ, सेंटर के साथ उनका क्या था, विवाद चल रहा था, और इस विवाद के चलते उन्होंने 50 दिन के बाद क्या है, अपना इस्तीफा दे दिया था। लेकिन उसके बाद ही रीओरिएंटेड, उन्होंने क्या है, अपने अप्रोच को रीओरिएंट किया, यानी अपनी पॉलिटिकल जो उनकी सोच थी या उनकी जो विचारधारा थी, अपने जो कार्य थे, उसको फिर से अलाइन किया कि नहीं भाई, अब हमको इसमें सुधार करना है। और अपने 5 सालों के शासन में उन्होंने उन एरियाज़ पे फोकस किया जो उनके कंट्रोल में है। कंट्रोल में कहने का मतलब है, हमारी जो दिल्ली है वो एक डायार्की है। डायार्की कहने का मतलब है वहाँ पे कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें निर्णय लेने का हक केंद्र सरकार को हासिल है, और कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिन पे
आपके राज्य सरकार ये निर्णय लेती है। तो ऐसे में क्या होता है कि उन मुद्दों पे जिनमें राज्य सरकार को स्वतंत्रता हासिल है कि भाई वो खुद से कार्य कर सकती है, केजरीवाल ने इस 5 साल में उसी पे फोकस किया और उनको सुधारने की कोशिश की। चेंज कीजिएगा स्लाइड। कंसिक्यूट एडमिनिस्ट्रेटिव इनोवेशंस बाय हिज गवर्नमेंट इम्प्रूव्ड मेनी लाइव्स एंड पेड हिम रिच इलेक्टोरल डिविडेंड्स इन दिल्ली। अब यहाँ पे क्या है कि उन्होंने क्या किया कि उसके बाद, कंसिक्वेंट का मतलब होता है उसके बाद या फिर परिणाम स्वरूप, बहुत सारे नए कदम उठाए, इनोवेटिव स्टेप्स लिए। और ये जो भी इनोवेशन था ये एडमिनिस्ट्रेशन के क्षेत्र में था, एडमिनिस्ट्रेशन यानी प्रशासन के क्षेत्र में। और उन्होंने क्या है, कई सारे लोगों की जिंदगियाँ सुधारी और इट पेड हिम रिच इलेक्टोरल डिविडेंड्स, इसका उनको लाभ मिला। और ये लाभ इनको चुनावों में मिला, तो इलेक्टोरल डिविडेंड का मतलब हो गया चुनावों में उनको मुनाफा मिला, चुनावों में उनको फायदा मिला। कैसे मिला, तो आप देखिएगा 70 सीटों की जो दिल्ली की असेंबली है उसमें उन्हें 62 सीटें मिली हैं। तो अगर देखा जाए कि 70 सीट में अगर आपको 62 सीटें मिल रही हैं तो ये बहुत अच्छा अचीवमेंट है। और ये क्यों मिला, क्योंकि उन्होंने क्या एडमिनिस्ट्रेटिव इनोवेशंस लिए, उन्होंने बहुत सारे नए कदम उठाए। आगे देखिएगा, इनॉग्रेटिंग द न्यू टर्म ही बियर्स द बर्डन ऑफ बलूनिंग एक्सपेक्टेशन इन दिल्ली एंड बियॉन्ड। अब क्या है कि उन्होंने अपने नए टर्म की शुरुआत की, इनॉग्रेशन किया है, ही बियर्स द बर्डन, तो उनके ऊपर बोझ है ऑफ बलूनिंग एक्सपेक्टेशन। यहाँ बलून वर्ब से बलूनिंग एडजेक्टिव बना है, एक्सपेक्टेशन नाउन के लिए, एक्सपेक्टेशन मतलब होता है लोगों की जो आशा है, दिल्ली के भी लोगों की आशा है और दिल्ली के बाहर के लोगों की भी जो उनसे आशा है वो धीरे धीरे बरी हो रही है, यानी बलून हो रही है, फूल रही है, फैल रही है। यानी इस बार लोगों को ज्यादा आशा है कि केजरीवाल और अच्छा काम करेंगे। तो देखिएगा, इस बार दिल्ली इज यूनिक स्टेटस एज द नेशनल कैपिटल हैज नेसेसिटेटेड अ डायरार्की इन द सिटी वेयर द स्टेट इज फोर्स्ड टू शेयर अथॉरिटी विद द सेंटर। ठीक है, तो दिल्ली क्या है कि देश की राजधानी है, इस कारण से वहां पे एक डुअल गवर्नेंस का मॉडल है, इसलिए यहाँ पे हमने डायरार्की का प्रयोग किया है। ठीक है, और डायरकी का मतलब जहाँ पे दो लोग शासन करें, दो अलग अलग ताकतें शासन करें। तो नेसेसिटेट का मतलब होता है ज़रूरत पैदा करना, तो दिल्ली में ज़रूरत है कि भाई वहाँ पे केंद्र का भी हस्तक्षेप होगा और राज्य का भी हस्तक्षेप होगा। द स्टेट इज़ फोर्स टू शेयर अथॉरिटी विद द सेंटर, तो केंद्र के साथ क्या है, पावर शेयर करना पड़ता है। कहाँ कहाँ, पॉलिसिंग एंड मोस्ट मैटर्स रिलेटेड टू अर्बन डेवलपमेंट आर विद द सेंटर। पुलिस यानी जो वहाँ पे प्रशासन होगा, कानून और व्यवस्था होगी, उसकी देखभाल करने की जिम्मेदारी या फिर शहरी विकास अर्बन डेवलपमेंट की जो जिम्मेदारी है वो केंद्र के पास है। आगे देखिएगा, द सेंटर्स ऑब्स्ट्रक्शनिज्म एंड द दिल्ली गवर्नमेंट्स कॉम्पिटिवनेस हैड स्लोड डाउन क्रिटिकल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स इन द पास्ट। तो यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शनिज्म भी नाउन है और कॉम्पिटिवनेस भी आपकी क्या है, नाउन है। तो एंड के यहां देखिएगा, दोनों तरफ का जो स्ट्रक्चर है वह क्या है, फिर से सेम है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि सेंटर का ऑब्स्ट्रक्शनिज्म, यानी सेंटर जो बार बार टांग अराता था, अड़ंगे पैदा करता था, और दिल्ली गवर्नमेंट क्या है, उससे हमेशा लड़ाई के मोड में रहती थी, कॉम्पिटिटिव मोड में रहती थी। इसने क्या था कि जो क्रिटिकल यानी इंपॉर्टेंट जो डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स थे इन द पास्ट, यानी पिछले सेशन की बात हो रही है, इससे पीछे वाले टर्म में, उनको स्लो डाउन कर दिया था। यानी कोई भी डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट आगे बढ़ ही नहीं रहा था। देयर कैन नॉट बी अ स्ट्रॉन्गर क्लियरर मैसेज टू द बीजेपी एंड आप फ्रॉम द पीपल हु चोज ओवर 2 इलेक्शंस, द फॉर्मर फॉर द सेंटर एंड द लेटर फॉर दिल्ली। तो यहाँ पे देखिएगा, बीजेपी और आप का जिक्र हुआ है, और बीजेपी के लिए अगले वाक्य में फॉर्मर का प्रयोग हुआ है और आप के लिए द लेटर, यानी जिसका जिक्र वाक्य में पहले हुआ उसके लिए फॉर्मर और जिसका जिक्र वाक्य में बाद में हुआ उसके लिए लेटर। तो कह रहा, देयर कैन नॉट बी अ स्ट्रॉन्गर क्लियरर मैसेज, यानी इससे स्ट्रॉन्ग और इससे साफ मैसेज नहीं दिया जा सकता जनता के द्वारा टू द बीजेपी एंड आप, बीजेपी और आपको, हु चोज, यहाँ पे हु आया है पीपल के लिए, नॉर्मली रिलेटिव प्रोनाउन एंटीसीडेंट के बगल में ही लिखा जाता है, तो यहाँ पीपल के लिए हु है। तो जिन्होंने चुना ओवर 2 इलेक्शंस, यानी 2 चुनावों में, पहले वाली यानी बीजेपी को केंद्र के लिए और बाद वाली यानी आपको दिल्ली के लिए, तो इससे मैसेज क्या आता है, दे मस्ट वर्क टुगेदर, उन्हें एक साथ काम करना चाहिए इन द इंटरेस्ट ऑफ द सिटी, इस शहर के विकास के लिए, शहर के हित के लिए। इंटरेस्ट नाउन है जिसकी मीनिंग होती है हित या लाभ या फायदा। वाइल द सेंटर मस्ट बी मैग्नैनिमस द स्टेट मस्ट बी कंसिलिएटरी।
तो यहाँ पे हमारे एडिटर का कहना है कि जो सेंटर है, सेंटर को क्या होना चाहिए, मैग्नानिमस। मैग्नानिमस मतलब बड़े दिल वाला, कि शत्रु है तो उसको भी माफ़ किया। और स्टेट को क्या होना चाहिए, कंसिलिएटरी। इससे पहले ये कॉम्बेटिव थे, कॉम्बेटिव का मतलब लड़ लेना है, और कंसिलिएटरी का मतलब होता है हर चीज़ में वो रिकनसाइल करने की कोशिश करते हैं कि अच्छा शांत हो जाइए, देखा जाए क्या रास्ता निकलेगा। दोनों तरफ एडजेक्टिव है, मैग्नेनिमस बीजेपी के लिए और कंसिलिएटरी यूज़ किया जा रहा है आपके लिए, कि केंद्र सरकार को बड़े दिल वाला होना चाहिए और राज्य सरकार को शांत। मिस्टर केजरीवाल मेड द राइट मूव बाय इनवाइटिंग प्राइम मिनिस्टर मोदी टू हिज स्वेरिंग इन सेरेमनी। तो केजरीवाल जी ने शपथ ली और उसमें उन्होंने क्या है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को बुलाया। वो आ नहीं पाई, अलग बात है। और एडिटर का कहना है कि सही कदम है। सही कदम क्यों है? सही कदम इसलिए है क्योंकि आप ध्यान दीजिएगा, अगर कोऑपरेशन की बात है तो दिल्ली का विकास तभी होगा जब दोनों सरकारें मिलकर के काम करेंगी। और इसके लिए अगर केजरीवाल ने उन्हें इनवाइट किया तो ये अच्छा मूव है, ये एक सही कदम है, राइट मूव। विद द लोकल सोर्सेज ऑफ पॉल्यूशन रिमेनिंग लार्जली अनएड्रेस्ड अपार्ट फ्रॉम कोर्ट ऑर्डर स्टेप्स सच एज द परमानेंट क्लोजर ऑफ द बदरपुर थर्मल पावर प्लांट इन 2018 एंड द ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान, द शॉर्टेज ऑफ पब्लिक बसेज रिमेन्स वन ऑफ द बिगेस्ट कंसर्न्स। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि सरकार के सामने कौन कौन सी दिक्कतें हैं उनकी बात की जा रही है। ठीक है, तो आप यहाँ ध्यान दीजिएगा, जो पॉल्यूशन के जो लोकल सोर्सेज थे, जैसे दिल्ली में एक स्मॉग की समस्या आती है तो लोकल नहीं है समस्या। लोकल कहने का मतलब है दिल्ली के आसपास के जो राज्य हैं वहाँ पे किसान पराली जलाते हैं, इस कारण से दिल्ली में क्या होता है अक्टूबर के अराउंड स्मॉग बढ़ जाता है, तो वो पॉल्यूशन का एक कारण है, बट वो लोकल कारण नहीं है। तो सरकार के हाथ में तो सिर्फ लोकल कारण है, और बाहर के कारणों के लिए वो क्या है, अन्य सरकारों के साथ मिलकर के कार्य कर सकती है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो लोकल पॉल्यूशन के कारण है वो लार्जली अनएड्रेस्ड है। लार्जली यहाँ एडवर्ब है, इसका मतलब बड़े, मतलब कह सकते हैं अगर 100% कार्य है तो उसमें से 80% हुआ ही नहीं है। अनएड्रेस्ड मतलब इस समस्या का समाधान खोजने की कोशिश नहीं की गई है। अपार्ट फ्रॉम का मतलब के अलावा, तो कुछ कदम उठाए गए हैं, लेकिन ये कदम कैसे उठाए गए हैं, कोर्ट ऑर्डर्ड स्टेप्स हैं, यानी कोर्ट ने आदेश दिया तो कुछ कदम उठाए गए, जैसे कि बदरपुर थर्मल प्लांट को बंद किया गया 2018 में परमानेंटली, और एक क्रेडिट ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान मतलब सुझाया गया होगा कोर्ट के द्वारा राज्य सरकार को कि भाई आप इसको फॉलो कीजिए। एक तो ये समस्या हो गई। दूसरी समस्या है द शॉर्टेज ऑफ पब्लिक बसेस। जो सरकारी बसेज होती हैं, पब्लिक की अगर ऑब्जेक्टिव है, जो आप हमेशा क्या कर सकते हैं ना, सरकारी के लिए यूज़ कर सकते हैं, यानी सरकारी नौकरी, तो आप कह सकते हैं कि जितने भी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं उनमें जो हम लोग काम करना चाहते हैं तो उसको हम लोग सरकारी नौकरी कहते हैं। तो पब्लिक बसेस का मतलब सरकारी बसें। रिमेन्स वन ऑफ द बिगेस्ट कंसर्न, ये सबसे बड़ी चिंता है, मतलब बहुत सारी चिंताएं हैं, उनमें से एक ये भी है। फॉर रिड्यूसिंग पॉल्यूशन एज वेल एज इम्प्रूविंग अर्बन मोबिलिटी। तो बसेस की जो कमी है इससे दो प्रॉब्लम आ रही है, एक तो आप पॉल्यूशन नहीं खत्म कर पाइएगा, तो आप सोचिएगा कि बसेस की कमी से पॉल्यूशन का क्या लेना देना है। तो जो पुरानी बसें हैं, बसें तो हैं, तो पुरानी बसें क्या है, ज़्यादा पॉल्यूशन करती हैं, सीएनजी फिटेड नहीं होंगी। अब तो नई बसें आ गई हैं, अब तो JNURM के तहत बहुत सारी जगहों पे बिजली वाली बसें भी चलाई जा रही हैं। तो अगर आप पुरानी बसों को बदलते हैं, नई बसें लाते हैं, तो अर्बन मोबिलिटी यानी शहरी क्षेत्र के लोगों के लिए एक जगह से दूसरी जगह आने में भी सुविधा होगी और इससे पॉल्यूशन भी कम होगा। हैविंग मेड बस राइड्स फ्री फॉर वुमेन, द आप गवर्नमेंट हैज़ टू नाउ मेक श्योर देयर आर एनफ बसेस। तो केजरीवाल सरकार ने क्या किया था कि औरतों के लिए बसेस में जो किराया माफ़ कर दिया था, तो इससे क्या होता है ना कि आप पब्लिक सेक्टर पे, या फिर कह सकते हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम पे आपने लोड बढ़ा दिया, क्योंकि अब फ्री है तो हो सकता है कि औरतें जो बस से यात्रा करती थी उनकी संख्या बढ़े, और जो बस से यात्रा नहीं भी करती था वो भी बसों का प्रयोग करें। तो अब इससे क्या है कि बसों की संख्या बढ़ानी पड़ी, क्योंकि आपने क्या है सवारियां तो बढ़ा दी। इन दिस 10 पॉइंट केजरीवाल का गारंटी कार्ड, तो केजरीवाल ने एक अपना मैनिफेस्टो दिया होगा 10 पॉइंट का, जिसका नाम उन्होंने रखा केजरीवाल का गारंटी कार्ड। इसमें 10 पॉइंट्स हैं, यानी 10 अलग अलग बिंदु सुझाए गए होंगे। उसमें पार्टी प्रॉमिस्ड डेलाइट्स ओवर 11,000 पब्लिक बसेस। तो पार्टी ने दिल्ली के निवासियों के लिए डेलाइट्स शब्द का हमने प्रयोग किया है, 11,000 सरकारी बसें एंड 500 किलोमीटर ऑफ दिल्ली मेट्रो नेटवर्क,
यानी 500 किलोमीटर का दिल्ली मेट्रो का नेटवर्क होगा, यह उन्होंने प्रॉमिस किया है। द स्कीम ऑफ 20,000 लीटर्स ऑफ फ्री वाटर टू एवरी हाउस होल्ड, हाउस होल्ड का मतलब होता है परिवार या मकान। तो 20 मकान और परिवार में फ़र्क यह है कि एक मकान में एक से अधिक परिवार रह सकते हैं, यहाँ हाउस होल्ड का मतलब हो गया परिवार। तो एक मकान में अगर किराए का मकान है, तीन अलग अलग लोग हैं, तीन अलग अलग पानी के कनेक्शन हैं, तो वहाँ पे कहा जाएगा कि तीन हाउस होल्ड्स हैं। तो उन्होंने कहा था कि 20,000 लीटर पानी हम हर हाउस होल्ड को यानी हर परिवार को हर महीने फ्री मुहैया कराएंगे, तो यह जारी रहेगा, इट विल बी कंटिन्यूड, बट द क्वालिटी ऑफ दैट सप्लाई नीड्स टू बी कंसिस्टेंट। लेकिन वो जो पानी है, वह जो सप्लाई होता है पानी, उसकी क्वालिटी कंसिस्टेंट होनी चाहिए, यानी हमेशा अच्छा आना चाहिए। ठीक है, आगे है गवर्नमेंट स्टेट एंड सेंट्रल, सरकार की बात की जा रही है और कॉमा से सेपरेट करके उनको डिफाइन किया जा रहा है। हमने आपको इससे पहले वाले भी पॉइंट में बताया था कि इसे कहते हैं नाउन इन अपोजिशन, यानी आप क्या कर रहे हैं, एक नाउन को कॉमा से सेपरेट करके फिर एक दूसरे टुकड़े में उस नाउन को डिफाइन कर रहे हैं। तो यहाँ सरकारें कौन सी सरकारें, तो राज्य सरकारें और केंद्र सरकारें, स्टेट एंड सेंट्रल बोथ, हैव स्पेंट सेवरल क्रोर्स, उन्होंने क्या है कई करोड़ खर्च किए हैं ओवर द पास्ट डेकेड्स, पिछले कई दशकों में, टू क्लीन द यमुना, यमुना को साफ करने के लिए, बट द प्रॉब्लम रिमेन्स, लेकिन यह समस्या अभी भी जस की तस है। द गवर्नमेंट, द दिल्ली गवर्नमेंट विल नॉट बी एबल टू एड्रेस दिस प्रॉब्लम ऑन इट्स ओन, दिल्ली सरकार के लिए यह समस्या का समाधान खुद से निकालना क्या संभव नहीं है, एंड विल हैव टू वर्क विद द सेंटर, और उसे क्या करना पड़ेगा, उन्हें केंद्र के साथ मिलकर के कार्य करना पड़ेगा। फिर ध्यान दीजिएगा एंड के दोनों तरफ वाक्य का स्ट्रक्चर सेम है, इस बात को ध्यान में रखिएगा, कॉमन एरर आता है इससे, काफ़ी आता है। दिल्ली हैज़ ए ह्यूज हाउसिंग शॉर्टेज, तो वहाँ पे क्या है ना, हाउसिंग का भी शॉर्टेज है, यानी आप दिल्ली में देखिएगा इलीगल बस्तियाँ बहुत ज़्यादा हैं, या फिर आप देखिएगा स्लम्स काफ़ी ज़्यादा हैं, इसका मतलब मकानों की कमी तो है। एंड बोथ गवर्नमेंट्स, यहाँ पे फिर वही बात है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों की बात हो रही है, मस्ट गेट देयर एक्ट टुगेदर, टू गेट योर एक्ट टुगेदर का मतलब होता है आप जो कार्य कर रहे हैं उस कार्य को सही ढंग से कीजिए, कि भाई आपको क्या करना होगा, आप अपना कार्य करने का जो ढंग है वो सुधारना पड़ेगा। इन इम्प्लीमेंटिंग द लॉन्ग ओवरड्यू लैंड पूलिंग पॉलिसी, तो एक लैंड पूलिंग पॉलिसी है जो 2011 के करीब में ड्राफ्ट की गई थी, उस समय की सरकार ने ड्राफ्ट किया था, उसके बारे में हम आपको बता दे रहे हैं, हमने नोट भी करके रखा और नीचे में आपको उसका डिटेल भी दिया है। तो ये एक मास्टर प्लान है दिल्ली का, DDA का, सितंबर लास्ट मतलब 2021 की बात हो रही है, ठीक है, 2021 के लिए एक मास्टर प्लान ड्राफ्ट किया गया है, लास्ट सितंबर में दिल्ली लैंड पूलिंग पॉलिसी करके से लाया गया था। इसमें क्या है ना कि जितने भी इलाके हैं, जो ग्रामीण इलाके हैं दिल्ली के आसपास में, उन सभी इलाकों में जो क्षेत्रफल है ऐसा, जहाँ पे लगता है कि यहाँ पे शहरी विकास संभव है, वहाँ से ज़मीन को क्या किया जाएगा, प्रोक्योर किया जाएगा, और बाद में क्या है ना कि उसमें से कुछ ज़मीन जो है किसानों को अंततः लौटा दी जाएगी, कि वो अपने लिए भी मकान वहाँ पे क्या है बना सकें, यानी एक तरह से राजधानी का विस्तार किया जाएगा। और राजधानी का विस्तार करने के लिए राजधानी के आसपास के जो 95 गांव हैं उनको क्या किया जाएगा, इसमें उनसे लैंड प्रोक्योर किया जाएगा और उसका कुछ हिस्सा डेवलपमेंट के बाद किसानों को भी लौटाया जाएगा। ठीक है, तो वह जो पॉलिसी है उसको इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है, और यह जो पॉलिसी है इट विल प्रोवाइड अ रूफ ओवर द हेड फॉर लैक्स, या लाखों लोगों के सर पर क्या है छत मुहैया कराएगी, एंड टू किक स्टार्ट द स्लगिस सेक्टर। तो यह जो सेक्टर है आपका, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, यह जो सेक्टर है अभी आपका, जो मकान बनाने के लिए हम कह सकते हैं, यानी रियल एस्टेट जो सेक्टर है हमारा, वो क्या है थोड़ा स्लो है, मतलब वहाँ पे स्लगिश है थोड़ा, यानी वहाँ स्लो डाउन चल रहा है। तो जब सरकार नए शहरी क्षेत्र विकसित करेगी, वहाँ पे नए मकान बनाएगी, तो उस सेक्टर को भी थोड़ा पुश मिलेगा, जो बिल्डर्स हैं या फिर जो रॉ मटेरियल सप्लायर्स हैं उस सेक्टर को भी क्या है पुश मिलेगा जब नए लोग मकान बनाए जाएंगे। ठीक है, आगे है आपका, पीछे आइएगा, मिस कर गए आप, ठीक है, अगला स्लाइड देखिए, अच्छा मिस हो गया क्या आपसे, देखिए तो ऊपर में प्रीवियस आई है, हाँ ठीक है, यही रहने दीजिएगा, इसके बाद वाली स्लाइड, बस रहने दीजिए।
तो ये जो स्लगी सेक्टर है वो रियल एस्टेट सेक्टर की बात की जा रही है कि रियल एस्टेट यानी जो आप देखिएगा अभी बहुत सारा हाउसिंग सेक्टर में क्या है दिक्कत आई थी, जैसे आम्रपाली बिल्डर की बात है यानी उनके पास जो इन्वेंट्री है वो बिक नहीं पा रही है। तो इस कारण से क्या है कि थोड़ा स्लो डाउन से यह सेक्टर क्या है रियल एस्टेट गुजर रहा है। तो अगर सरकार यह जो योजना है उसको डेवलप करती है, इस योजना को इम्प्लीमेंट करती है, तो नए मकान बनेंगे तो थोड़ा उस सेक्टर को भी क्या है बूस्ट मिलेगा, उस सेक्टर में भी थोड़ा पैसा जाएगा। द चीफ मिनिस्टर विल ऑल्सो नीड टू फोकस ऑन वर्किंग विथ हिज काउंटर पार्ट्स। अब क्या चीफ मिनिस्टर को क्या वर्क करना है और मिलकर के कार्य करना है, किनके साथ मिलकर के कार्य करना है, अपने काउंटर पार्ट्स। काउंटर पार्ट्स का मतलब होता है जिस पद पे आप हैं उसी पद पे दूसरा व्यक्ति जो आसीन हो, जैसे एक देश के प्रधानमंत्री के लिए दूसरे देश का प्रधानमंत्री उनका काउंटर पार्ट कहलाएगा। तो यहाँ नेबरिंग हरियाणा और उत्तर प्रदेश के जो उनके काउंटर पार्ट्स हैं यानी जो मुख्यमंत्री हैं उनके साथ केजरीवाल जी को मिलकर कार्य करने की बात कही जा रही है, ताकि ही कैन डील विद द सिटीज़ प्रॉब्लम्स, ताकि वो जो इस शहर के जो दिक्कतें हैं उनको क्या है डील कर सके। मिस्टर केजरीवाल हैज़ शोन रिमार्केबल एबिलिटी टू इवॉल्व। तो इतने वर्षों में केजरीवाल जी ने यह शो किया है कि वो इवॉल्व कर सकते हैं। इवॉल्व का मतलब होता है टू चेंज फॉर द बेटर, बेहतर के लिए बदलना। जैसे आपने पढ़ा हो ना डार्विन की थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, तो उसमें क्या होता है कि कोई भी जीव क्या है धीरे धीरे इवॉल्व करता है ताकि वो बदलते हुए माहौल के साथ खुद को ढाल सके। तो यहाँ पे भी उसी इवोल्यूशन की बात हो रही है। तो केजरीवाल जी में यह एबिलिटी है, यह क्षमता है एज अ पॉलिटिशियन एंड एज एन एडमिनिस्ट्रेटर, यानी राजनीतिज्ञ के रूप में भी वो पहले से बेहतर पॉलिटिशियन बने हैं और पहले से वो बेहतर एडमिनिस्ट्रेटर यानी प्रशासक बने हैं। एंड ही मस्ट स्टे द कोर्स, और उनको इसी रास्ते पे क्या है बने रहना चाहिए, चलते रहना चाहिए। अब सभी शब्दों की मीनिंग देख लेते हैं हम लोग। तो हमारी जो हेडलाइन थी वो थी एट द सेंटर। तो नॉर्मली जो फ्रेजेस होते हैं ना वो उतना ही नहीं होता जितना लिखा जाता है। तो यहाँ पे है अगर टू बी एट द सेंटर, इसका मतलब जब आप यूज़ कीजिएगा इसको कहीं पे, तो इज वाज वर, मतलब बी वर्ब का कोई ना कोई रूप आप यूज़ कीजिएगा, उसके बाद होगा एट द सेंटर। ठीक है, तो टू बी एट द सेंटर की मीनिंग होती है किसी चीज़ का मुख्य कारण होना या किसी चीज़ का मुख्य सब्जेक्ट होना। तो अभी तो दिल्ली ही थी सेंटर में, यानी दिल्ली के चुनाव ही हर जगह छाए हुए थे, तो हमने यूज़ किया था टू बी एट द सेंटर हेडलाइन में। उसके बाद था मैंडेट, कि केजरीवाल जी को जो मैंडेट मिला है, तो मैंडेट का मतलब होता है जनता आपको चुन करके आपको जो शासन में भेजती है इसी ताकत को कहते हैं मैंडेट। मैंडेट आपका नाउन है। आगे है स्टॉल जो कि वर्ब है, स्टॉल नाउन भी होता है। जैसे आप जाते हैं ना बुक फेयर में जाते हैं या फिर प्रगति मैदान में जो कई बार इंडस्ट्रियल एग्जीबिशंस लगती हैं, तो वहाँ पे भी स्टॉल्स होते हैं, वो नाउन है। यहाँ पे स्टॉल वर्ब है। तो स्टॉल की मीनिंग होती है किसी चीज़ को होने से रोकना, यानी उसमें क्या है व्यवधान पैदा करना या उसको स्लो करना। एंथ्यूज, एंथ्यूज का मतलब होता है किसी व्यक्ति को किसी चीज़ में रुचि दिलाना या फिर उसको उत्साहित करना। तो यहाँ पे था ना कि केजरीवाल जी के जीतने से उनके जो समर्थक हैं वो क्या एंथ्यूज हुए हैं यानी उत्साहित हुए हैं। इन्फ्यूरिएट, फ्यूरी मतलब होता है क्रोध, इन्फ्यूरिएट का मतलब होता है किसी को क्रोधित करना, किसी को गुस्सा दिलाना, बहुत ज़्यादा गुस्सा दिलाना। ठीक है, डिट्रैक्टर नाउन है, इसका मतलब होता है वह व्यक्ति जो आपका महत्व कम करने के लिए हर वक्त आपकी बुराई करे निंदा करे। स्टॉम्प, तो स्टॉम्प मतलब होता है पैर पटकना, किस लिए, चलने के लिए, नाचने के लिए, फिर आने जाने के लिए कहीं। डिस्टोपियन एक एडजेक्टिव है जो डिस्टोपिया नाउन से बना है, दो नाउन होते हैं, एक यूटोपिया जिसका मतलब होता है एक ऐसी काल्पनिक जगह जहाँ सब कुछ अच्छा है, डिस्टोपिया एक ऐसी काल्पनिक जगह जहाँ सब कुछ ही क्या है बुरा है। तो यहाँ पे क्या है डिस्टोपियन का मतलब हो गया रिलेटेड टू एन इमेजिनरी प्लेस, और एक काल्पनिक जगह होती है इन विच एवरीथिंग इज एक्सट्रीमली बैड और अनप्लीजेंट। रीओरियंट का मतलब होता है किसी चीज़ की दिशा बदलना, किसी चीज़ की दिशा या दशा बदलना। तो यहाँ पे बात हुई थी ना कि केजरीवाल जी ने पहला अपना जो 50 दिन का शासन था वो खत्म होने के बाद अपने आप को रीओरियंट किया यानी अपनी राजनीति की दिशा बदली। इनोवेशन नाउन है, इनोवेट वर्ब से बना है, इसकी मीनिंग होती है द इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू थिंग्स और आइडियाज और वेज ऑफ डूइंग समथिंग। तो किसी भी कार्य को करने का ये क्या है ना आपका जो तरीका है वह नया तरीका कोई लाना, कुछ नया करना। तो केजरीवाल ने बहुत सारे नए काम किए, जैसे उन्होंने अपनी यहाँ स्कूलों की व्यवस्था बदली, उसके अलावा क्या मोहल्ला क्लिनिक का कॉन्सेप्ट लाया,
या ऑड इवन का ही, ऑड इवन खैर भारत के लिए नया हो सकता, दुनिया के लिए नया नहीं था, लेकिन वो आइडिया भी उन्होंने इम्प्लीमेंट किया कि पॉल्यूशन को थोड़ा क्या किया जा सके, कंट्रोल किया जा सके। इलेक्टोरल का मतलब होता है रिलेटेड विथ इलेक्शंस, कनेक्टेड विथ इलेक्शंस। तो ये नॉर्मली अगर नेचर है तो रिलेटेड विथ नेचर तो हम यूज़ करेंगे नेचुरल। एजुकेशनल का मतलब हो गया रिलेटेड विथ एजुकेशन, तो इलेक्टोरल का मतलब हो गया कनेक्टेड और रिलेटेड विथ इलेक्शंस। डिविडेंड ऐसा एक फाइनेंशियल टर्म है, अगर आप किसी कंपनी के शेयर या खरीदते हैं तो समय समय पे जो मुनाफा मिलता है उसको डिविडेंड कहते हैं, लेकिन यहाँ पे डिविडेंड की मीनिंग थी इलेक्टोरल डिविडेंड, यानी चुनाव में जो लाभ मिलता है। तो चुनाव में लाभ कैसे मिलता है, तो वोटों के रूप में, और वह वोट फिर किस रूप में बदलते हैं, आपके सीट्स के रूप में, आपको उतनी सीट्स आती हैं। बलूनिंग, बलूनिंग का मतलब होता है कि अचानक से बढ़ जाना, अचानक से फैल जाना, तो एक्सपेक्टेशंस के लिए हम लोगों ने यूज़ किया था, यानी लोगों की जो एक्सपेक्टेशन है, जो आशा है किन से, केजरीवाल जी से, वो बलून हो रही हैं, यानी वो फैल रही हैं, बरी हो रही हैं। नेसेस्टेट का मतलब होता है किसी चीज़ को ज़रूरी बना देना। डायार्की का मतलब होता है दो अलग अलग ताकतों के द्वारा कहीं का शासन चलाना। ऑब्स्ट्रक्शनिज्म का मतलब होता है किसी भी व्यक्ति को कोई नया काम करने से या फिर कोई संगठन को नया कानून बनाने से रोकना। आगे कॉम्बेटिवनेस का मतलब होता है कि आप क्या है ना, कि लड़ने के लिए तैयार है, रिकनसाइल करने को तैयार ही नहीं। जहाँ कहीं विवाद हुआ तो आपका पहला ये नहीं होगा स्टेप कि किसी तरह से बात बना ली जाए, आपका पहला स्टेप हो गई ना झगड़ा हो जाए। मैग्नेनिमस का मतलब होता है कि बड़े दिल वाला होना, कि अच्छा जो माफ़ किया। तो मैग्नेनिमिटी का हम लोग प्रयोग तभी करेंगे जब कोई व्यक्ति अपने शत्रु को माफ़ करे, उसके प्रति उदारता दिखाए। कंसिलिएटरी का मतलब होता है कि भाई दूसरों को क्या करना, शांत करने का गुण हो आप में, तो आपको क्या कहेंगे कि यू हैव द इंटेंशन ऑफ बीइंग कंसिलिएटरी, यानी आप झगड़ा नहीं करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि दूसरे भी शांत हो जाए और मामला आगे ना बढ़े। मोबिलिटी नाउन है, एक जगह से दूसरी जगह आने की जो कह सकते हैं बात है, मतलब ट्रांसपोर्टेशन हो जाए, तो उसको हम क्या कहते हैं मोबिलिटी। जैसे मोबाइल फ़ोन है तो उन उसको क्या है, हम आसानी से एक जगह से दूसरी जगह कैरी कर सकते हैं, इसलिए उसको हम मोबाइल फ़ोन कहते हैं। ठीक है, लैंड पूलिंग पॉलिसी है जो हमने बताया था, और गलती से शायद उसमें 2011 मेरे मुंह से निकल गया था, 2021 की बात है। तो दिल्ली में DDA है, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी, जो अर्बन प्लानिंग के लिए, अर्बन प्लानिंग यानी शहरी जितनी भी सुविधाएं हैं, सड़कें हों, पार्क हों, मकान हों, नई कॉलोनियाँ हों, इनको बनाने की, इनकी प्लानिंग की जो व्यवस्था है वो DDA के हाथ में है। तो इसमें क्या है ना, लैंड पूलिंग पॉलिसी, जिसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकारें मिल करके राजधानी को थोड़ा फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि जो बेघर लोग हैं उनके लिए घर घर बन सकें, स्कूलें बन सकें, सड़कें बन सकें, हॉस्पिटल और भी सुविधाएं जो किसी भी एक स्वस्थ समाज में चाहिए। ठीक है, और ये सितंबर, लास्ट सितंबर की ये प्लानिंग है, और इसको 2021 तक इम्प्लीमेंट करने की बात है। ठीक है, देखिए किक स्टार्ट का मतलब होता है किसी चीज़ को स्टार्ट करना, मतलब किसी चीज़ को शुरू करना। लात मार के बाइक भी स्टार्ट करते हैं, और हम लोग कई बार क्या करते हैं, फुटबॉल में भी किक ऑफ होता है, उसके बाद ही क्या होता है, गेम स्टार्ट होता है। तो किसी प्रोजेक्ट को शुरू करने के लिए हम लोग किक स्टार्ट वर्ब का क्या है प्रयोग कर सकते हैं। स्लगिश, स्लो, अगर कोई चीज़ है रिएक्ट करने में या काम करने में या मूव करने में, तो उसके साथ ये एडजेक्टिव हम लोग लगा सकते हैं। यहाँ पे स्लगिश का प्रयोग किया गया था रियल एस्टेट सेक्टर के लिए। रियल एस्टेट यानी हमारे जो बिल्डर्स इत्यादि हैं, वो जिस क्षेत्र में काम करते हैं उसको रियल एस्टेट सेक्टर कहते हैं, वो थोड़ा स्लगिश है, उसमें ग्रोथ उतनी नहीं दिख रही है अभी। काउंटर पार्ट का मतलब होता है सहकर्मी, मतलब आप जिस पद पे हैं उसी पद पर अगर दूसरे व्यक्ति हैं, तो अगर आप किसी स्कूल के प्रिंसिपल हैं तो किसी अन्य स्कूल के प्रिंसिपल आपके काउंटर पार्ट हो गए। एक देश के राष्ट्रपति के लिए दूसरे देश का राष्ट्रपति, एक राज्य के मुख्यमंत्री के लिए दूसरे राज्य का मुख्यमंत्री काउंटर पार्ट होता है। और इवॉल्व की मीनिंग होती है कि आप बेहतर बनते हैं, खुद को बेहतर बनाते हैं धीरे धीरे, ताकि क्या है आप बेहतर, पहले से क्या है बेहतर परफॉर्म कर सके। तो उसके लिए इवॉल्व वर्ब का प्रयोग करते हैं, और इसके लिए नाउन होगा एवोल्यूशन। तो ये आज का सेशन रहा। अब यह ध्यान देना है कि इसमें आप लोगों को एक दो समस्याएं हैं, जैसे यह जो हम पार्सिंग करते हैं, पार्सिंग कहने का मतलब है सिंटेक्स एनालिसिस, इसे कहते हैं। सिंटेक्स एनालिसिस में हम लोग क्या करते हैं, किसी भी वाक्य में जितने भी एलिमेंट्स हैं वह एलिमेंट्स किस रूप में इस्तेमाल हो रहे हैं, नाउन के रूप में, प्रोनाउन के रूप में, वर्ब के रूप में, एडवर्ब के रूप में, उसको एनालाइज करते हैं
और यह एनालिसिस करने के लिए हम लोग हमेशा क्या करते हैं, कुछ ग्रामेटिकल टूल्स का प्रयोग करते हैं। तो मेरी कोशिश है कि एक आध हफ्ते की कंटिन्यूटी के बाद ये जो पार्सिंग हम करके आपको देते हैं, एक छोटी सी वीडियो बना करके हम आपको उस वो पूरा प्रोसेस समझाएंगे पर डे, कि इसमें हम कैसे कंक्लूजन पे पहुँचे कि यह नाउन है या एडजेक्टिव है या वर्ब है या फिर एडवर्ब है। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।